अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए कोई ना कोई अमल, कोई ना कोई नक्श, कोई ना कोई नुस्खा ऐसा बताते हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जितने मसले हैं, सबको हल करने में आपको मदद मिले। तो दोस्तों, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लहसुन से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, आपका कोई पुराना प्रेमी हो या फिर आपके शौहर हो, आपकी बीवी हो, आप इसे किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसे अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए करना है। आपको इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ तभी करना है जब आप जानते हो कि आप उस व्यक्ति के बिना जी नहीं सकते, आप उसके बिना रह नहीं पाएंगे। सिर्फ तभी आप इस अमल का इस्तेमाल करें दोस्तों। और इसमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी जो कि जिससे आपका अमल जरूर काम करेगा और आपके मन की मुराद जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको हमारे जो भी नए वीडियोज डालेंगे उनके अपडेट भी मिलते रहेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उनका आपको जरूर करना है उनको। अगर आप उन्हें मिस करेंगे तो ये अमल काम नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लहसुन के 7 ऐसे कलियां ले लेनी है लहसुन की। इस तरह से आप ले लीजिएगा, गिन के 7। और अब आपको हर एक लहसुन के ऊपर लिखना होगा, कोई भी पतला पेन आप ले लीजिए जो कि आराम से इसके ऊपर चल जाए। इस तरह से आपको लहसुन के ऊपर लिखना होगा। तो आपको क्या करना है कि आप कोई भी ऐसा पेन ले लीजिए जो कि लहसुन के ऊपर आराम से चल जाए और उसकी वजह से लहसुन के अंदर कोई भी छेद ना हो या फिर उसका छिलका जो है वो फटे नहीं। इस तरह से आपको लहसुन के ऊपर लिख देना है 7, 8, 6। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो हर एक लहसुन को आपको ऐसे उठाना है और उसके बाद आपको लहसुन के ऊपर इस तरह से 7, 8, 6 लिखते जाना है। दोस्तों, ये मैंने इस तरह से लिखा है, आप इसे किसी भी तरफ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर भी आप, जहाँ पर भी आपके कलम इस पे चल जाए, आप उस तरफ इस पे लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको सातों पर जब आप 7, 8, 6 लिख लें इस तरह से, देखिए आपको ये लिखना है और इन सब को आपको अपने सामने रखना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि लहसुन पर 7, 8, 6 लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको बस अपने सामने रखकर बैठना है और उस आदमी का या उस लड़की का आपको नाम अपने जहन में लेना है। अपने जहन में उस इंसान का नाम आपको 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ने के बाद आप इस लहसुन के ऊपर आपको फूंकना है। फूंकने के लिए आप क्या करेंगे कि इन सबको आपको अपने हाथ में रख लेना है और उसके बाद अपने मुंह के पास ले जाकर आपको इस पर फूंक देना है। फूंकने के बाद दोस्तों, आपको ये सारे लहसुन अच्छे से कहीं पर रख देने हैं संभाल कर। और उसके बाद आपको 7 दिनों तक हर दिन एक लहसुन को लेकर जाना है और इसे आपको अपने घर के पास में कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, सुनसान जगह हो, किसी पेड़ के पीछे भी आप जा सकते हैं, पेड़ के पीछे जहाँ पर आपको कोई ना देखे, आपको एक छोटा गड्ढा खोदना है और वहां पर इसको दफन कर देना है। हर दिन आपको जाना है और उसी जगह पर लहसुन को जमीन के अंदर दफन कर देना है। सिर्फ जब आप 7वें दिन पहुंचेंगे, 7वें दिन से पहले इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। 3रे या 4थे दिन ही दोस्तों आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको 7 दिन तक ये काम जरूर करना है। 7ों लहसुन जब आपके मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे तो आपकी जो मोहब्बत है वो पूरी तरह से पक्की हो जाएगी और आपके लिए तड़पने लगेगी। उसके मन में भी आपके लिए उतनी ही मोहब्बत जाग जाएगी जितनी मोहब्बत आपके मन में है। इस तरह से आप इसे कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप मौलाना जी से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसको जरूर करके देखिएगा, अपनी सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा कारगर है। शब्बा खैर दोस्तों।